पॉज कर दिए हैड ऑलरेडी पॉज। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है करवा चौथ एंड मैं अभी सो के उठ रही हूँ बिकॉज आज है संडे। टाइम हो रहा है सुबह का 9। सो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ पूरा दिन, आप लोग को दिखाऊंगी क्या घर में बनता है क्या होता है, तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखना एंड पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। हे गाइस, सो आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, एक्चुअली कुछ भी शूट करने लायक था ही नहीं, तो मैं क्या ही दिखाती आपको, वही रोज का खाना पीना सब चल रहा था। और फिलहाल चिंटू को पहले देख लो। हाँ भाई, तुम पहले बात कर लो, चलो चलो तुम पहले बात कर लो, चलो बोल दो, बोल दो सबको गाइस हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ गाइस। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी, सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं खाने पीने ये सब में लगी थी, तो फिलहाल मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ शूटिंग। अभी हम लोग छत पे आए हैं, सो हम लोग छत पे आए हैं, अभी हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा वो जो करवा चौथ का बनाते हैं पूजा के लिए, वो बनाएंगे छत पे। तो मैं छत को पूरा अच्छे से धो दिया है, ये वाला छत को, चुप चुप। और मम्मी आई है अभी छत पे, तो हम दोनों मिलके बनाएंगे। चिंटू को देख लो, ये देखो केंता करू छे चिंटू, नो नीचे है खाए क्या, चलो नीचे जाओ। अच्छा 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 ऐसे बुधारी तके। सो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को जो भी होगा करवा चौथ का सब कुछ, तो स्टे ट्यून्ड। और ये व्लॉग बहुत छोटा होने वाला है बट फिर भी अच्छा लगेगा आपको देख के, तो जरूर देखना एंड तक। आप लोगों के यहाँ कैसा कैसा होता है करवा चौथ में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे यहाँ जैसा भी होता है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और सबके यहाँ अलग अलग ही होता है। सो बताना आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। ये देखो, ये भाभी के हाथ की मेहंदी, और ये वाली मैंने लगाई, जैसी भी है मेहंदी, मेहंदी होती है, शगुन का टीका है ये वाला अच्छा लग रहा है दोनों। चिंटू के आसिनी तो वो इनके। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, हल्दी और चावल के पेस्ट से, थोड़ा फूल वगैरह और यू नो चांद सूरज ये सब बनाया जाता है, और यहाँ पे पूजा होती है रात में। तो बस, और आज खाने में काफ़ी कुछ बना है, ये देखिए यहाँ पे बनी है आलू और परवल की सब्ज़ी जो कि भाभी ने बनाई है, बहुत टेस्टी दिख रही है। यहाँ लड्डू मम्मी ने बनाए हैं, ये चावल आटा और नॉर्मल आटा मिला के लड्डू बनाया जाता है, और फिर साथ में है पूड़ी, तो ये भी बनी है घर में। आज कढ़ी भी बनी है, कढ़ी मैं दिखाना भूल गई, और ये है दाल का फरा। दाल का फरा तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूर बनता है करवा चौथ पे। आरती तो इसी से उतरती है,
गाइस हम लोग छत पे आ चुके हैं और ये देखिए करवा वगैरह सारा रेडी करके सजा दिया है अभी यहाँ पे ऐसे, और अब बस हम लोग वेट कर रहे हैं चांद का। यहाँ पूजा की सामान रखी गई है और हमारा करवा कुछ इस तरीके से सजता है, देख लो आप लोग, आप लोग बताना आप लोग का कैसे किस तरीके से होता है। ये वाला मम्मी का है, ये वाला भाभी का है, यहाँ पे ऐसे गौर रखा जाता है, गौर का भी पूजा होता है, और ये सीख रखा जाता है ऐसे। हाँ, और बस इंतज़ार हो रहा है यहाँ छत पे चांद का। और ये हूँ मैं। फाइनली अभी मम्मी और भाभी पूजा करने में लग गए हैं क्योंकि चांद निकल आए हैं, तो बस पूजा स्टार्ट हो गई है और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे चांद को अर्घ देने के लिए, क्योंकि छत के ऊपर से चांद नज़र नहीं आ रहे थे, तो बस पूजा छत पे करके फिर अर्घ देने के लिए हम लोग जाएंगे नीचे। तो पूजा होने के बाद इस तरीके से चांद की आरती उतारी जाती है, जैसे अभी कर रहे हैं भाभी और मम्मी, और फिर जाएंगी अर्घ देने के लिए, चांद को देख कर के फिर अर्घ देंगे। अब ये वाला भी